नमस्ते, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज भी मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा वीडियो लेकर आई हूँ, और वो भी पुरानी चीज़ों का यूज है। तो मेरे पास मेरी बच्ची की ये पुरानी लेकी पड़ी थी, तो इसका बहुत ही प्यारा यूज बताऊंगी, आपको बहुत काम में आएगा। और वीडियो पर बने रहे, और वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो मैं बना रही हूँ समर हैंड ग्लव्स। तो मैंने ये मेरी बच्ची की छोटी लेगी ले ली है, और अगर आपके पास बड़ी लेगी है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। आप नीचे से अपने हाथों की लंबाई लेते हुए नीचे से ऊपर तक कटिंग कर दें, और जो ऊपर का इलास्टिक निकले उसे ऊपर की ओर लगा दें। तो मेरे को तो यहाँ कुछ कटिंग वगैरह कुछ नहीं करनी है, बस बीच में से कट करूँगी और इस पर सिलाई लगा दूँगी, क्योंकि ये मेरे हाथों के हिसाब से मेरी लंबाई हाथों की लंबाई के बराबर ही है। तो बच्ची अभी 3 से 4 साल की है, तो ये लेगी मेरे एकदम सही लग रही है। तो मैं कुछ नहीं करूँगी, बीच में से मैंने कट कर दिया है, और यहाँ ऊपर से नीचे की ओर सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई उसी हिसाब से लगाएंगे जिस तरह से अपने हाथों में फिट रहेगी, और बाकी का कपड़ा निकाल देंगे। तो मैं ये यहाँ सिलाई लगा रही हूँ, आप देख सकते हो किस तरह लगाएंगे सिलाई, और ये बहुत ही जल्दी बन जाता है आराम से। सिर्फ मैंने 5 मिनट में ही बना दिया था, और कपड़ा भी वैसे भी ये बहुत अच्छा है, अभी ज़्यादा पुराना नहीं हुआ, अच्छा लग रहा है एकदम। तो आप देख सकते हो किस तरह से बना रही हूँ, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको निकाल देंगे और डबल सिलाई लगा देंगे, ताकि ये बीच में खुले नहीं सिलाई। तो इसी तरह से मैं एक और इसके ऊपर ही डबल सिलाई लगा दूंगी, और सिलाई लगाने के बाद में मेरे पास जो दूसरा था तो उस पर भी सिलाई लगा दूंगी। तो दोनों कपड़ों को मैं ऐसे ही सिलाई लगा दूंगी, फिर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको निकाल देंगे। तो आपके पास भी पुरानी लेगी हो तो आप इस तरह से गर्मी का उसका यूज कर सकते हो, बड़ी हो या चाहे छोटी हो, कैसी भी हो उसका यूज किया जा सकता है। अगर आपके पास बड़ी लेगी हो तो उसको नीचे से कट करोगे ऊपर की ओर, और जो ऊपर का इलास्टिक निकलेगा वो नीचे लगा देंगे, नहीं तो आप दूसरे इलास्टिक भी लगा सकते हो। तो इस तरह से मैंने दोनों पर डबल सिलाई लगा दी है। तो सिलाई लग गई है, अब मैं इसको कट करके निकाल दूंगी जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है। और वैसे भी ये लेगी पुरानी होने के बाद में कुछ भी काम में नहीं आती है, तो चलो इसका यही यूज किया जा सकता है। और ये छोटे छोटे जुगाड़ आप घर पर आराम से बना सकते हो, अगर बाजार में खरीदने जाए तो बहुत पैसे लगते हैं इसके। तो एक और कपड़े की मैंने डबल सिलाई लगाना भूल गई थी, तो मैं वापस से डबल सिलाई लगा रही हूँ उसके। क्योंकि ये कपड़ा दूसरा है तो इसमें सिलाई निकल भी सकती है, इस पर मशीन थोड़ा सही नहीं चलता है, तो इसलिए मैं एक दो सिलाई लगा दूंगी ताकि ये बार बार निकले नहीं। तो मैंने दोनों के सिलाई लगाकर कपड़ा कट कर दिया है, और फिर इसको सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद में आप देख सकते हो कितने आसानी से आराम से बन गए हैं। और आप कहीं भी बाहर बाजार कहीं भी जाओ, बाहर जाओ तो आप इसको आराम से पर्स में रख कर ले जा सकते हो, जब भी आपकी इच्छा हो तब पहन सकते हो इसको। तो बहुत ही अच्छा बना है, ये मेरी चूड़ी की वजह से आपको यहाँ पर सही नहीं लग रहा है, नहीं तो बहुत ही अच्छा बना है।
और आप देख सकते हो कितनी आसानी से सिर्फ 5 मिनट में बन गया है। और आप चाहो तो यहाँ सिलाई के ऊपर छोटा सा कट भी लगा सकते हो ताकि ये ऊपर नहीं चढ़े। और कट लगाने के बाद में कैसे पहनोगे आप मैं बताती हूँ। तो मैंने ये कट लगा दिया है, अब मैं आपको पहन के बताऊँगी। तो इस कट की जगह ये अपना अंगूठा डाल देंगे और तो फिर ये ऊपर नहीं चढ़ेगा। तो अपन ने घर पे देखो कितनी आसानी से हैंड ग्लव्स बना कर तैयार कर लिया है, वो भी पुरानी चीज़ों से। तो इस तरह से घर पर आप पुरानी चीज़ों से आसानी से बना सकते हो। और इस हाथ के भी आप इसी तरह से अंगूठे बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का मेरा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।